इट इज अ स्पेशल अलकल एक स्पेशल एक वहीकल है यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट उसका यूज किया जाता है एक ट्रांसपोर्ट की तरह लेट्स वी स्टार्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या है वी यूज डिफरेंट वहीकल्स टू ट्रैवल बाय रोड वी यूज डिफरेंट वहीकल हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के व्हीकल यूज़ करते हैं राइट जैसे कि कार साइकिल है बाइसिकल है वैसे ही तरह से मोटरसाइकिल है ऑटो रिक्शो है तो ये सारे व्हीकल्स है तो उसको हम क्या यूज़ करते हैं रोड के ऊपर यूज़ करते हैं एक प्लेस से अनदर प्लेस जाने के लिए सो so, रेल एयर एंड वाटर वो रोड के ऊपर चलते हैं रेल यानी कि रेलवे गाड़ी के ऊपर चलते हैं वो रेलवे गाड़ी राइट एयर यानी कि एयर में चलते हैं वाटर यानी कि वाटर पे चलते हैं दीज आर कोल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट उसमें फर्स्ट नंबर की रोड ट्रांसपोर्ट वी यूज़ रोड ट्रांसपोर्ट लाइक मोटर व्हीकल्स हम लोग ये जो रोड ट्रांसपोर्ट का है यूज़ कर रहे हैं कैसे मोटर व्हीकल्स एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है साइक और साइकिल रिक्शो टू ट्रैवल बाय रोड साइकल है यहाँ पे साइकिल रिक्शो को भी एक पिक दिया है देखो रिक्शो है खाली और एक साइकिल है राइट right, फिर यहाँ पे मोटर है रेड कलर की फिर इस तरफ ऑटो रिक्शो है बस है ट्रक है कार है ये सब जो चीज है उसकी वजह से हम लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जा रहे है, है अदरवाइज क्या करेंगे पैदल

का यूज होता है ये पिक्चर्स के बारे में तो मैंने बताया ही अभी नाउ लेट्स वी सी फैक्टेंट वॉट अबाउट सो लेट्स स्टार्ट कार्ट इज अ अकल कार्ट क्या है है विथ टू और फोर फ्लोर्स सॉरी विथ टू और फोर व्हील्स उसको दो या तो फोर व्हील्स होते हैं इट इज पुल्ड बाई एनिमल्स ये एनिमल्स के पुल्ड जो होते हैं एनिमल्स पुल करते हैं उसकी वजह से ये चलता है तो ऑक्स कैमल आप 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 लोग लोग शायद लोगों को पिक्चर भी फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़े हो गए ऑक्स कार्ट कैमल कार्ट हॉर्स कार्ट बुलॉक कार्ट राइट तो ये सारी कार्ट है टू तो कैरी लोड सम कार्ट्स आल्सो कैरी पीपल हाँ हम लोग गांव पे जाते हैं विलेज में राइट हमारे दादा दादी के पास जाते हैं किसी के अंकल आंटी वहाँ पे रहते होंगे किसी के बड़े मम्मा और बड़े पापा वहाँ पे रहते होंगे और कोई रिलेशन वाले वहाँ पे रहते होंगे तो वो लोग फार्म में जाते हैं तो मोस्ट पीपल यूज़ बुलोक कार्ड राइट मोस्ट ऑफ पीपल बुलोक कार्ट में बैठ जाते हैं और दोपहर का खाना का लेके जाते हैं खाने खाने के लिए वो सब अंदर रख के जाते हैं और अंदर जाते हैं right? राइट तो ये सारी कार्ट है नाउ रेल ट्रांसपोर्ट ट्रेन स्मू ऑन रेल्स ट्रेन कहाँ पे चलती है इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन रेल के ऊपर ट्रेन है ट्रेन इंजिन है राइट इंजिन के बिना चलेगी नो no. ट्रेन को आगे और पीछे दोनों साइड एंजिन आते हैं एंड मैनीचिस और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कोचिस आते हैं कोच यानी कि जो हम लोग है बोलते हैं ना डिब्बा बोलते हैं वो इट्स एंजिन रंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी उसका जो इंजन है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चलता है कोल और डीजल कोल यानी कि जो कोल सा होता है वो और डीजल ये तीनों चीज की वजह से ये चलता है ये ऊपर ही चलता है पैसेंजर ट्रेन कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू तो अनदर प्लेस ये ट्रेन क्या करती है पीपल को एक प्लेस से दूसरी प्लेस में पहुंचाती है गुड्स ट्रेन्स कैरी गुड्स गुड्स जो ट्रेन होती है माल सामान की गाड़ी उसमें आते हैं फैक्टेड अ पर्सन हु ट्रैवल्स इज अ पैसेंजर पैसेंजर हम किसको बोलेंगे डियर तो पैसेंजर उसको ही हम बोलेंगे जो पर्सन एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं वही हुए ना अ पैसेंजर या नाउ वाटर ट्रांसपोर्ट वी यूज वाटर ट्रांसपोर्ट टू क्रॉस सी ओशन लेक कैनाल और रिवर रिमेंबर द थिंग्स डियर फ्रेंड्स ट्रांसपोर्ट वाई बिकॉज टू क्रॉस सी ओशन लेकैल और रिवर हम लोगों को वाटर ट्रांसपोर्ट की जरूरत है क्यों है क्योंकि एक सी है ओशन है लाइक लेक यानी कि सरोवर है रिवर है वो रिवर में एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाने के लिए हम लोग को वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज चाहिए कार्गो शिप्स कैरी हैवी लॉड्स कार्गोशिप्स जो करके शिप है वो बहुत सारा लोड्स जो है वो कैरी कर सकती है यानी कि वो वजन ज़्यादा कैरी कर सकती है शिप स्टीमर बोट एंड सेल बोट आर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट सो हीयर वन क्वेश्चन वॉट आर द वाटर ट्रांसपोर्ट अदरवाइज राइट द एग्जाम्पल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट तो यू कैन राइट शिप स्टीमर बोट एंड सेल बोट ओके पर किसके अंदर वॉटर के अंदर सोल्जर्स होते है उसके स्पेशल चलाने वाले राइट एयर ट्रांसपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट इज वेरी सिंपल एयर यानी कि जो हवा में चलते हैं वो तो हवा में कौन चलते हैं एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर उसके अलावा कोई चलता है शिप चलती है नो no. फिर कार चलती है नो सो लेट्स वी सी वी यूज एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स टू ट्रैवल बाय एयर दे आर द फास्टेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट या ये जो हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन है उसको कभी ट्रैफिक नहीं बीच में आता है राइट right? हां पर उसका जो एटमॉस्फेयर है ए स्काई का वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है तो एक ये फास्टेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर वी कैन रीच फार ऑफ कंट्रीज इन अ फ्यू आवर्स इन देम कोई भी कंट्री में हमें जाना है तो एकदम थोड़ी ही कला के अंदर हम लोग पहुंच जाते हैं आर्स यानी कि कला ओके नॉट अ मिनट दे आल्सो कैरी गुड्स और वो वजन है माल सामान है वो भी लेके जाते हैं स्पेशल व्हीकल्स स्पेशल व्हीकल्स का इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा रहा है हाँ हियर आर व्हीकल्स विच आर यूज फॉर स्पेशल पर्पज राइट ऐसे कोई व्हीकल है कि उसका स्पेशल एक पर्पज़ है उसी की तरह यूज़ होता है तो देखिए इधर फायर इंजिन है रेड कलर का उसके बाजू में एम्बुलेंस है देखा सब लोगों ने तो देखो फायर इंजन कैरीज इक्विपमेंट एंड फायर फाइटर्स टू पुट आउट फायर्स जहाँ पे फायर्स है फायर मतलब आग लगी है वहाँ पे फायर फाइटर इसमें बैठ के जाते हैं और जरूरियात की जो माल सामान है वो भी साथ में लेके जाते हैं एन एम्बुलेंस लैक सिक्स सिक और इंजर्ड पीपल टू अ हॉस्पिटल एम्बुलेंस क्या करता है जो पीपल बीमार है और इंजरी यानी कि उसको एक्सीडेंट की वजह से कुछ घा लग गया है तो उसको लेके जाते हैं अब केबल कार इस बाजू में इधर पिक्चर है हॉट एयर बलून के बाजू में अ केबल कार इज पुल्ड बाय अ मूविंग मेटल रोप देखो ऊपर मेटल का रोप है तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में लेके जाते हैं यहाँ पे जो केबल कार है उसका यूज कहाँ पे होता है आप लोगों ने शायद कोई भी प्लेस घूमी हो स्पेशली माउंटेन एरिया में तो वहां पे ये रोप वे जैसा कुछ उसका नाम है इन गुजराती लैंग्वेज वी कैन से रोप वे राइट इट कैरीज पैसेंजर्स अप एंड डाउन अ माउंटेन वो क्या करता है अंदर जो केबल कार के अंदर बैठते हैं तो एक माउंटेन की टोर्च है फिर दूसरी टोर्च पे लेके जाते अ हॉट एयर बलून इज अ लार्ज बलून फिल्ड विथ हॉट एयर ज इन द एयर हॉट एयर बलून में कौन सी एयर है? है, right? है वो पूरा ऊपर चला जाता है बास्केट टू केरी पैसेंजर्स या ऑब्वियसली नीचे बास्केट है उसमें पैसेंजर बैठ जाते हैं इट इज यूज फॉर फन नॉट फॉर ट्रांसपोर्ट ये एक फन के लिए है ये ट्रांसपोर्ट के लिए है नहीं मींस ऑफ कम्युनिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन मीन्स वॉट कम्युनिकेशन इज राइट हम लोग एक दूसरे के साथ स्पीक बोलते हैं हम लोग लिखते हैं राइट right? और हमें कुछ कहना है वो हम उसको इशारा से दिखाते हैं तो बस वही आपका क्या है कम्युनिकेशन है तो हियर वी स्पीक राइट एंड यूज साइंस एंड साउंड्स टू शेयर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन विथ ईच अदर अगर हम किसी के साथ बोले लिखेंगे और एक एक फिंगर नॉट करेंगे राइट फिर बोल बोलेंगे तो साउंड आएगा राइट मतलब हमारी आइडिया भी हम शेयर करेंगे हम एक, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो ये क्या हुआ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ये सब क्या हुआ हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं वैसा पोलिस क्या करते हैं व्हीसल का यूज करते हैं और ट्राफिक को क्या करते हैं मैनेजमेंट करते हैं वी ऑल्सो कम्युनिकेट थ्रू मैसेजिस में रिटर्न और स्पोकन हम लोग मैसेज के द्वारा भी कम्युनिकेट करते हैं अभी तो ट्वेंटी फर्स्ट सॉरी अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं स्मार्टफोन आ गए हैं राइट तो हम लोग किसी को मैसेज देना है अगर हमारा कोई कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं उसको मैसेज कर देते हैं राइट तो वो मैसेज रिटर्न भी हो सकता है और स्पोकन भी हो सकता है और वी कैन सेंड रिटर्न मैसेज थ्रू अ लेटर हम लोग लेटर भी लिखते हैं अगर हमें मैसेज लिखना है पहले के जो युग था एरा था राइट हमारे दादा दादी वाला जो एरा था उसमें कोई मोबाइल फोन नहीं था बल्कि वो लोग क्या करते थे एक दूसरे को लेटर लिख के सब बात पहुंचाते थे और जिसके पास लेटर जाता है वो जानते हैं कि अच्छा ये ये हुआ है ये मैटर हुई है अच्छा ये बात हुई है

मैसेजेस के द्वारा लेटर के द्वारा फैक्स के द्वारा ईमेल के द्वारा वो तो एक दिन दो दिन तीन दिन, दिन तो लग ही जाता है घर पे पहुँचते है, पहुंचते बट है। हम लोग टेलीफोन में बातें करेंगे अभी हम लोग मोबाइल में बात करेंगे तो एकदम वो क्विकेस्ट यानी कि स्पीड स्पीड वाला कम्युनिकेशन हो जाएगा क्योंकि हमें जो बोलना है वो हम फोन पे बोल देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा जिसको कहना है उसको हम कह देंगे राइट right? तुरंत ही सामने वाला व्यक्ति सुन ले गया तो वो क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हुआ वी यूज़ अ लैंडलाइन फोन और अ मोबाइल फोन टू कम्युनिकेट हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर कम्युनिकेशन जो पार्ट है राइट right? कम्युनिकेशन जो पार्ट है उसमें दो एग्जाम्पल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के दो एग्जाम्पल कौन से हैं कि तुरंत ही हम लोग मैसेज पहुंचा सकते हैं तो फोन और मोबाइल फ़ोन लैंडलाइन फॉर ऑल मोबाइल फ़ोन वी कैन इवन सेंड रिटर्न मैसेजेस थ्रू अ मोबाइल फ़ोन हम लोग हाँ मैंने ये व्हाट्सअप वाली बात बोली राइट right? इनबॉक्स में भी ऐसा किया जाता है अगर हम किसी को ईमेल करेंगे फ़ोन में अभी तो नेट सब में होता ही है तो हम जी मेल करेंगे उसमें मैसेज सेंड कर देंगे तो वो भी वो देख लेंगे ओके okay? तो ये हुई हमारी क्या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर टू में पढ़ा राइट right? तो आप लोगों को ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड विद द चैप्टर नाउ डियर स्टूडेंट्स इट्स टाइम टू एक्सरसाइज तो एक्सरसाइज क्या है कंप्लीट द फ्लो चार्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसका फ्लो चार्ट आप लोगों को कंप्लीट करना है तो फर्स्ट एग्जाम्पल है टेलीफोन सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है साइंस एंड साउंड्स। तो हमें और दूसरे चार एग्जाम्पल उसके लिखने हैं राइट right? तो ईमेल और फैक्स ओके ईमेल है, ई एम ए आई एल ई मेल एफ एक्स फैक्स उसके नीचे है ई डबल टी ई आर एस लेटर्स, सी एच ए टी एस चैट्स तो ये एक फ्लो चार्ट है किसका है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का नाउ फायर इंजिन के साथ आएगा बी कैरीज फायर फाइटर्स फायर इंजिन क्या करते हैं ऑलमोस्ट फायर फाइटर को लेके जाते हैं एम्बुलेंस क्या करते हैं सीख पीपल को लेके जाते हैं मतलब डी आएगा थर्ड नंबर केबल कार केबल कार ऑन मेटल रॉप हम लोगों ने ये केबल कार का पढ़ा ना माउंटेन वाला टॉपिक राइट right? वो रॉप के ऊपर जाता है और नीचे हम सबको पहुंचाता है हॉट एयर बलून हॉट एयर बलून में आएगा हैज अ बास्केट उसके नीचे बास्केट होती है इट्स फॉर फन नॉट ट्रांसपोर्ट राइट फिल इन द ब्लैंक्स वी ब्लैंक ब्लैंक एंड यूज ब्लैंक एंड टू शेयर आइडियाज तो वी स्पीक यानी कि बोलना राइट यानी कि लिखना एंड यूज साइंस यानी कि डिनोट करना डिनोट करना या, मतलब आप फिंगर से दिखाओगे आप इशारा से दिखाओगे वो sounds to share idea urgent messages can be sent through email and fax maine ye bola tha bahut important hai ye right urgent message hum log kiske dwara karte the pehle email aur fax now cargo ships carry heavy loads cargo ships carry heavy loads cargo ships hai wo heavy jo माल सामान है उसको लेके भी जाता है Heavy load यानी कि जो बहुत burden में है उसको भी लेके जाता है मोटर वेहीकल्स है हम लोगों ने फर्स्ट पेज में फर्स्ट वाला टॉपिक किया हम लोगों ने सीखा डीजल और पेट्रोल का यूज होता है इंजन ऑफ अ ट्रेन रन्स ऑन कॉल डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉल डीजल और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये ट्रेन चलती है लेट्स वी सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वाई डू वी नीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत क्यों है सोचो so, कि ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी तो हम एक ही प्लेस में रहेंगे हम दूसरी प्लेस में जा पाएंगे नो no. एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने जा पाएंगे नो सो आंसर इज वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस सेकेंड नंबर हाउ आर एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर्स यूजफुल टू अस एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर है वो हमें कैसे यूजफुल होता है तो हम लोगों ने हमारा चैप्टर में टॉपिक में देखा था कि वो हमें जल्दी कम कलाक में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंचाते हैं सो आंसर वी कैन रीच फार ऑफ कंट्रीज इन अ फ्यू आर्स हाउ कैन वी ट्रैवल अक्रॉस अ सी और ओशन थर्ड नंबर का क्वेश्चन है हाउ कैन वी ट्रैवल अक्रॉस सी और एन ओशन अगर हमें सी और ओशन राइट हमें क्रॉस करना है तो हम किसकी वजह से कर पाएंगे तो बाई द यूज ऑफ ऑफ ट्रांसपोर्टली सी में क्या होता है वाटर ओशन में क्या होता है रिवर में क्या होता है water. तो उसमें एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाना है एक किनारे से दूसरे किनारे जाना है तो कौन सा यूज होगा वाटर ट्रांसपोर्ट का फोर नंबर नेम टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेलीफोन्स वी यूज ये मैंने बोला था कि ये दो एग्जाम्पल हो गए टेलीफोन के तो ये टेलीफोन के एग्जाम्पल आए क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट है मोबाइल फोन एंड दूसरा है लैंडलाइन फोन तो आप लोगों को होमवर्क में क्या करना है पहले तो पूरा वीडियो आपको देखना है फिर टेक्स्ट बुक में ये एक्सरसाइज लिखनी है आई विल सेंड पिक इन योर ग्रुप ओके थैंक यू

કાર ખાને છે આજે